वेलकम एंड वेलकम बैक टू ब्लॉग्स विद आरके। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और आज है 26 जनवरी और मेरी ड्यूटी है, तो मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ। बस अपना ये जो मॉर्निंग ड्रिंक है ये फिनिश करके मैं निकल रही हूँ, और उसके बाद लंच में वापस आऊँगी, फिर मिलेंगे। और आज है रिपब्लिक डे, तो सभी भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चेरी तो सो रही है, चेरी की तबीयत ख़राब है, इसलिए चेरी को स्कूल भी नहीं भेजा। और सोचा था कि नीचे भी जो है फ्लैग होस्टिंग होती है, बट वो उठी नहीं है और हम लोग ज़बरदस्ती उसको उठाना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो रेस्ट कर रही है। ठीक है, सोने दो। उठने के बाद तो 10 मिनट भी फिर एक जगह बैठना नहीं होता है, उठा पटक करनी रहती है, तो इसलिए इन्होंने बोला छोड़ दे, सोने दे। अगर मैं होती तो ये नीचे चले जाते, पर चेरी को छोड़ के ये भी नहीं जा पाएंगे। तो मैं निकल रही हूँ ड्यूटी के लिए और दिखाऊंगी आज। और आज बसंत पंचमी भी है, तो यहाँ पे बिहार में बहुत अच्छे से जो है बसंत पंचमी मनाते हैं, बहुत अच्छे से सरस्वती पूजा होती है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं जो एम्स में सेलिब्रेट होता है बसंत पंचमी, वहाँ आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलिए फिर थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। A few moments later. And it has to be purchased of all essential items such as all essential items with subsidized rate. You will have common reading rooms. I'll end my speech with a quote of Sri Aurobindo, which is already there in the calendar, the January month calendar. All can be done if God touches there. Today is Saraswati Puja, and I pray to Goddess Saraswati to give knowledge and eternal consciousness to all of us. And I pray to my Saraswati to give special knowledge to all my dear students so that they do best in their upcoming all examinations. And this is my sincere thank you all, and Jai Hind. Many gifts on the auspicious occasion of the 74th. Thank you.
फ्रेंड्स, ये था यहाँ का रिपब्लिक डे और अभी मैं आपको ले चलती हूँ बसंत पंचमी जो यहाँ पे पूजा हो रही है वो दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर डेकोरेशन है यहाँ का ऑडिटोरियम। अंदर से कुछ इस तरीके का व्यू है, बहुत ही मस्त लग रहा है। और ये बनाया हुआ है सेल्फी पॉइंट जहाँ पे सब लोग अपनी फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। और आज सारे लड़के कुर्ते पजामा में दिख रहे हैं और लड़कियाँ सारी साड़ी और एथनिक वेयर डाला हुआ है। और यहाँ पे है पीएमआर भवन और उसके बगल में आयुष भवन, जो फर्स्ट जो है नींव यहीं से रखी गई थी एम्स पटना की, जहाँ से शुरुआत हुई थी, ओपीडीज वगैरह स्टार्ट हुए थे स्टार्टिंग में। और अभी यहाँ पे आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक की ओपीडी लगती है और पीएमआर मतलब कि जो एक्सरसाइज वगैरह जो है वो सब यहीं चलता है। तो नाइट व्यू देखने के लिए नेक्स्ट ब्लॉग का वेट कीजिए। सो गाइज, हम लोगों ने जो है इंजॉय कर लिया रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन एम्स पटना एंड जो है बसंत पंचमी का जो प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है। अभी तो सिर्फ पूजा एंड प्रसाद वगैरह बटेगा और उसके बाद जो है रात में यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम होता है। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छे से जो है यहाँ पे सेलिब्रेशन किया जा रहा है रिपब्लिक डे और बसंत पंचमी का, क्योंकि आज जो है दोनों ही जो है हमारे पर्व हैं। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ गणतंत्र दिवस की और बसंत पंचमी की। और जो है मैं अभी जा रही हूँ क्योंकि मुरारी सर बैठे हुए हैं, कह रहे हैं मैडम जल्दी आ जाइए, जलेबी लाया हूँ मैं। तो मैं फटाफट से पहुँचती हूँ, वहाँ मिलवाऊँगी आप लोगों को। और आई होप आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा, अगर नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर दीजिए। एंड हाँ, मैंने चेरी को बहुत मिस किया क्योंकि सबको पता है आप लोगों को कि चेरी ये सब चीज़ें बहुत इंजॉय करती है एंड हर बच्चा जो है इस तरीके की एक्टिविटीज़ बहुत पसंद करता है। बट चेरी बीमार होने की वजह से हम लाए नहीं, और अगर वो उठी होती तो एक बार ट्राई कर लेते, बट वो सो रही थी तो उठाने का मन नहीं हुआ तो वो सो ही रही थी। और बहुत अच्छा प्रोग्राम था, अगर वो आती तो
बहुत इंजॉय करती बहुत ज़्यादा। आज का मौसम देखो, कल मैं जैकेट पहन के आई थी, बहुत परेशान रही, इतनी गर्मी लग रही थी, और आज मैं एक स्वेटर डाल के आई थी लेकिन उसमें भी गर्मी लग रही थी, तो मैंने सोचा बाहर प्रोग्राम है तो धूप तो है ही, स्वेटर भी निकाल दिया। तो इस तरीके का आज कुछ मौसम है पटना में, ठंड मतलब नाक के बराबर है। तो यहाँ पे जो है बिहार में 15 अगस्त 26 जनवरी पे खाते हैं जलेबियाँ, तो आ गई हैं गर्मा गर्म जलेबी जो मैंने बोला मुरारी सर लेके आए हैं, बट मुझे तो जो है जलेबी के साथ चाहिए समोसे, तो हमने मंगा लिए समोसे, तो अभी जो है हम लोग खा रहे हैं। और ये हैं धनंजय भैया जो यहीं एम्स के स्टाफ हैं, यहीं पे काम चल रही है। मैं आज समोसा नहीं खाऊंगा। One eternity later. तो ड्यूटी ऑफ करने के बाद जब मैं घर में आई हूँ तो ये है हमारी बिल्डिंग, और उसके बगल में ये जो खाली स्पेस है जहाँ पे बनने वाला है पार्क, तो यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग देखिए बहुत ही जो है अच्छे से हुई है, बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा था। तो फिर से आप लोगों को हैप्पी रिपब्लिक डे एंड हैप्पी बसंत पंचमी।